दोस्तों, इन दिनों प्रभास की मूवी आदि पुरुष को देखने के बाद लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है कि इस फिल्म को देखने से अच्छा तो हम ब्रह्मास्त्र पर पैसे खर्च कर दें। फिल्म की स्टोरी में भले ही दम ना हो, लेकिन फिल्म में जो भर भर के VFX का इस्तेमाल किया गया है उसे फिल्म दमदार मानी जाती है, और इसी वजह से एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मास्त्र लौट कर आ गई है, क्योंकि प्रभास की आदि पुरुष में जो VFX इस्तेमाल किया गया है उसके घटिया यानी लो क्वालिटी को देखते हुए लोगों ने उसे ना देखने का मन बना लिया है। और सैफ अली खान का विलन अवतार जिसमें वो रावण का किरदार निभा रहे हैं, उसे देखकर लोगों ने तो कहा कि आप ऐसे ही एक्टिंग कर लेते, उससे अच्छा तो आप नॉर्मल लगते हैं, वैसे ही गेटअप में आप लोगों को डरा लेते हैं। खैर, अब जब VFX की बात हो ही रही है तो यहाँ पर एक बार फिर लोगों के बीच रावण मूवी को लेकर खूब धूम मची हुई है, और लोगों का कहना है कि इस मूवी से अच्छा तो रावण मूवी में VFX का इस्तेमाल किया गया था जो आज से काफी साल पहले रिलीज हुई थी, और आज के हिसाब से वे काफी आगे की मूवी थी। यानी उसमें जो VFX इस्तेमाल किया गया था वह फिल्म आदि पुरुष से लाख गुना अच्छी थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें लोगों का दावा है कि आने वाली मूवी रावण का सेकेंड सीक्वल है जो जल्द लोगों को देखने को मिलेगा, और लोग इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं क्योंकि शाहरुख खान का कैरेक्टर और फिल्म में भर भर कर VFX कमाल का था। लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है रावण 2 मूवी की नहीं है, बेशक इसमें रावण यानी शाहरुख खान नजर आ रही हैं, लेकिन ये रावण 2 मूवी का वीडियो क्लिप नहीं है जिसे लोग ये कहकर फैला रहे हैं कि ये रावण की आने वाली सेकेंड सीक्वल का लीक वीडियो क्लिप है, बल्कि ये तो फेमस बॉलीवुड थीम की है जो कि दुबई में स्थित है। दुबई का बॉलीवुड पार्क ऐसे लोगों के लिए खास है जो एडवेंचर, मिस्ट्री, रोमांस, कॉमेडी, थ्रिल और एक्शन से शौकीन है। बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा का जादू आज दुनिया भर में सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि दुबई में स्थित बॉलीवुड थीम पार्क में हर तरह की फिल्मों को पर्दे पर दिखाया जाता है, और ये बिल्कुल बॉलीवुड की तरह नजर आती है। और YouTube या फिर सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस भरी हुई हैं जो बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों के सीक्वल की ओर इशारा करती हैं, और उन्हीं में से रावण मूवी के सीक्वल का क्लिप भी बनाया गया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये आदि पुरुष मूवी से अच्छी ब्रह्मास्त्र मूवी में इस्तेमाल की गई VFX बेहतर लगी या फिर आपको अपनी पुरानी फिल्म रावण याद आई, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।